भारत की प्राचीन तकनीक के जरिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे, और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियाँ, अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था, खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की यह धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए अमृतपाल। अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसका सिंबलिज्म यही है कि प्रधानमंत्री एक तो जयपुर को यूज करना, भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित मतलब सीमित नहीं है, भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है, और भारत अपने आप में एक बहुत डाइवर्स और सुंदर मुल्क है, उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स हैं। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है, यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी का के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेंपर, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेंपर, ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन एथोस थी उसमें स्टीप दिन था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ उनको रिसीव करना, जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है। अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइड लाइन्स पर दोनों लोग मिलते रहे हैं, और लेकिन आज का जो दिन है वो लगता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है, बातें हेरिटेज को लेकर के होंगी, संस्कृति होगी, और मुझे लगता है फ्रांस भी एक प्राचीन संस्कृति है, और इमैनुअल मैक्रो भी भारत की प्राचीन संस्कृति को देख करके उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कितनी समृद्ध विरासत रही है भारत की। बिल्कुल, फ्रांस तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है, वहाँ पर जो रेनेसां आई वो पेरिस की स्पीच पर आई, यूरोपियन रेनेसां, और आज ये दिखाना है। मैं इनफैक्ट अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर आपको दिखा पाएं जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब जंतर मंतर से निकलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हुए सड़कों पर, एक ओल्ड सिटी की जो वॉल सिटी की सड़कों पर यहाँ पर आएंगे हवा महल पर, ये अपने आप में एक 16th सेंचुरी जो मॉन्यूमेंट है आपका, वो ऐसा बनाया गया था कि इसके झरोके, इसकी जालियां, कि आप विंड को कैसे यूटिलाइज कर पाए जब आपके पास एसीज नहीं हुआ करते थे, कूलर्स नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे, तो किस कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों के की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए। तो क्लियरली ये एक
आर्किटेक्चरल मार्वल है, सुंदर बिल्डिंग है, पर उसके अलावा इसकी यूटिलिटी, इसका और उसका साइंस को यूज करना इस आर्किटेक्चर में, ये क्लियरली दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री, आपने सही कहा कि ये वाला पार्ट जो है, पहले उनको रिसीव करना, उनका आम एयरपोर्ट जाना, और फिर उनको जंतर मंतर पे रिसीव करना, फिर ओल्ड सिटी, जिसको जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना, लोग अभी तो जहां मैं हूं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको खाली करवा लिया गया है, पर जब मैं आ रहा था यहाँ पर, लोगों का हजूम है सड़कों पर, जैसे पुराने वर्ल्ड सिटी नहीं होते, छोटे छोटे घर हैं, उनके झरोखे हैं, अपनी बालकनीज पे खड़े हैं लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए दोनों लीडर्स की, तो शहर में उत्सुकता है। फिर शाम को जब आरामबाग पैलेस में ये रात्रि भोज के लिए मिलेंगे, तो वहाँ दोनों लीडर्स की जो सब्सटेंशियल मुद्दे हैं उन पर करीब एक घंटे की बातचीत होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन इनके साथ आई है, जिसमें इनके विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट जो सेक्टर से बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इनको कंपनी कर रहे हैं, राजस्थान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, पर डॉक्टर एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, ये प्रधानमंत्री के साइड के साथ होंगे। तो क्लियरली ये विजिट का सब्सटैंशियल और जो आपने कहा कि सॉफ्ट कल्चरल एस्पेक्ट दोनों है इस 6 घंटे जो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों यहाँ बिता रहे हैं। जी, इस वक्त हम देखें तस्वीरों में तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जबरदस्त केमिस्ट्री के बीच दोनों नेता एक बार फिर से मिल रहे हैं। 6 बार पहले मिल चुके हैं, एक अगर एक साल की हम बात करें, और उसके बाद कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, और इस शोभा यात्रा की जो शुरुआत अभी थोड़ी सी देर बाद होने वाली है, जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर, जहाँ पर 18 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी पत्थर की ऑब्जर्वेटरी बनाई थी सवाई राजा जयसिंह ने, और लघु सम्राट यंत्र जो अभी थोड़ी देर पहले आप घड़ी देख रहे थे, जिसके जरिए जिसको सन डायल कहा जाता है, और आप लोकल टाइम को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अमृतपाल जी, अगर दोनों देशों के रिश्ते की बात की जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अच्छे समय की शुरुआत हुई है, क्योंकि एम्बेसडर गुरजीत जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप, जैसे एम्बेसडर गुरजीत सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, पहले भी करती आई है, पर अब जैसे जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप कंप्लीटली दुनिया को, ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं रियलिटी को, रियलिटी कैसे प्ले आउट होती है, उसके फायदे आपकी आम जिंदगी में क्या हो सकते हैं, वो एक क्वांटम जंप होगा। तो जो देश उसके लिए तैयार होंगे वो उसका फायदा सबसे पहले उठा पाएंगे, और भारत और फ्रांस की कमिटमेंट इसको अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करना, ना सिर्फ अपने लोगों की, दुनिया के उन देशों के में जो आवाम रहती है या जो आबादी रहती है उनकी जिंदगी बेहतर करना, अपने एडवांटेज को यूज करके और कोलैबोरेट करके, तो ये क्लियर कमिटमेंट दिखती है भारत और फ्रांस की। बिल्कुल, और डॉक्टर अंशु, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन तस्वीरों पे कि चूंकि ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर, और भारत यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी जो लिस्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हर साल उसमें 1, 2, 3, 4 इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इसके पीछे भी एक मैसेज है कि भारत अपने कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज को कितना संभाल के रख पा रहा है, उसका कितना केयर कर रहा है। निश्चित तौर पर, और इसमें लेकिन एक और बिंदु हम जोड़ें यदि असीम, तो भारत की शक्ति का मैं परिचय कहूँगी कि ये देखिए ये कितने सुंदर दृश्य, ये भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक शक्ति थी, ये उसके कहीं ना कहीं दृश्य हैं, ये झरोखे हैं जो हम देख रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं उन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखा। तो अब जो ये हर साल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी धरोहर है, ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही है, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं ये डीकोलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से, और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल में देख
करती हूँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में आरबीसी में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी। फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं। गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए, शोध के लिए भारत आया करते थे और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हमें, हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीर है और इनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वाकई हम थे, हम बीच में उसे भुला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु, विश्व मित्र, तो जो मैक्रों के साथ खड़े हैं वो विश्व मित्र मुझे दिखाई पड़ते हैं और उनके पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो विश्व गुरु का दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। विश्व गुरु और विश्व मित्र एक साथ हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, नहीं, अगर थोड़ा सा मैं लिबर्टी ले पाऊं लाइट हार्टेड कमेंट के लिए, तो विश्वामित्र जैसे ऋषि पहले से ही हमारे देश में रहे हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है शून्य के साथ साथ हमने दशमलव भी दिया। अगर दशमलव या वो डॉट नहीं होता तो डॉट कॉम भी नहीं होता, निश्चित तौर पर। लेकिन आज डॉट कॉम की जरूरत है। हाँ, वो डॉट जो है ना हमारे हाथ में, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, तो अगर बिंदु ना हो ना उस बिंदु से, उस बिंदु को सृष्टि का निर्माण माना जाता है, उस बिंदु से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। वो बिंदु अगर भारत ने दिया है विश्व को, जिसको विश्व गुरु बार बार कह रहे हैं, हालांकि विश्व के रूप, विश्व को लोग ज्यादातर 183 देशों का एक समूह मानते हैं। हमारे सनातन परंपरा में विश्व, जो कि भगवान विष्णु का पहला नाम है सहस्त्र नाम में, उसमें विश्व पहला ही नाम है भगवान विष्णु का, और उसमें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। तो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की के तत्व को अगर कोई समझता है इस पूरे दुनिया में, तो शायद भारत ही समझता है। निश्चित तौर से, इसलिए हम बार बार कहते हैं विश्व, लोगों को लगता है विश्व गुरु क्यों है, लोग मजाक उड़ाते हैं भारत विश्व गुरु बात करते हैं, हम लोग कैसे बन पाएंगे, हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कतें हैं और हम लोग अपने लोगों को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, विश्व गुरु करने की बात करते हैं, लेकिन वो न विश्व को समझते हैं न गुरु को समझते हैं, और विश्व गुरु का तत्व क्या है उसको समझते हैं। मुझे लगता है अजय की बात नहीं करते इन तस्वीरों के जरिए, जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है कि इस तरह की चीजें, चाहे वो योगा, उसी बात पे मैं, योगा की बात हो, इस तरह की बात हो, ये भारत तो अब हालांकि बहुत दिनों तक इसको छुपाया गया, लाइट हार्टेड नहीं बताया गया, लेकिन सोचिए लाइट हार्टेड की मैं टॉक की बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका स्टेट विजिट पे थे, स्टेट विजिट उससे पहले, स्टेट विजिट से पहले जब संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा यूएस कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि भाई योगा पर हमने कोई अपना पेटेंट क्लेम नहीं किया, हमने हल्दी पे पेटेंट क्लेम नहीं किया। तो ये सारी चीजें हम विश्व को देते, क्योंकि हम देने में विश्वास करते हैं, हम साझा करने में विश्वास कर सकते हैं, हम दूसरे देशों की तरह नहीं, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो अब मेरे पास